Roto, meu akau shon dek nei vidole kya kisam fir se hazir hua ki jo hamari video hai wo video hai Honda Unicorn BS6 ki hum baat karte hain to dekhte hain is bike ke andar kya kya changes aaye aur kya kya changes ke andar aayi hain. सबसे पहले अगर मैं होंडा यूनिकॉर्न की बात करूं तो इसके अंदर आपको 162 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा. मैक्सिमम जो पावर निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 12.91 PS एट 7500 RPM पर. मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगा देगा वो निकाल के देगा 40 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पर. ये जो बाइक होने वाली है ये बाइक के अंदर आपको जो बोर्ड मिलेगा वो मिलेगा 57.3 mm का और वहीं पे इसके अंदर जो स्ट्रोक मिलेगा 63.1 mm का. चैन ड्राइव की बाइक होने वाली, सिंगल सिलेंडर होने वाली. इस बाइक के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे BS6 का पेट्रोल डलवाओगे या फिर आप BS4 वाला पेट्रोल आप इसमें डलवाओगे, वो अब आपके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, आप इसमें कोई भी पेट्रोल डलवा सकते हो, कंपनी ने इसके लिए कोई भी ज़्यादा खास कोशिश नहीं बताया. इसके अंदर जो आपको ब्रेक मिलेगा वो मिलेगा आपको फ्रंट साइड डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा और इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलने वाला है. वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की तो सस्पेंशन के अंदर इसके अंदर आपको सबसे पहले इसकी जो चेसिस है वो आपको डायमंड फ्रेम की चेसिस मिलने वाली है जो कि इसका लुक जो है वो चेंज हो जाएगा. फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, रियल में आपको मोनोशोकर सस्पेंशन मिल जाएंगे. वहीं पे मैं अगर बात करूँ इसके टायर साइज की तो टायर के अंदर आपको जो फ्रंट में इसका टायर साइज है वो आपको मिलेगा 80x100 का टायर मिलेगा और रियल में आपको जो टायर साइज मिलेगा वो मिलेगा 100x90 का. मुझे लग रहा है थोड़ी सी ये जो बाइक है कॉर्नरिंग में भी अच्छा स्टेबल करके दिखा देगी. यहीं पे इसके अंदर बाइक के अंदर पहले जो आता था लोगों को ट्यूब वाले जो टायर मिल रहे थे वो तो कंपनी ने पहले ही हटा दिए थे. अब इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं. अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा. जैसे कि आपने देखा होगा इसमें पहले नॉर्मल बाइक वाले अलॉय व्हील आते थे, अब इसमें थोड़ा स्टाइलिश अलॉय व्हील दे दिया जाएगा. जैसे ही उसकी फोटो आएगी तो मैं आपको इसमें शो कर दूंगा. वहीं पर अगर मैं इस बाइक की व्हील बेस की बात करूँ तो इसको 1335 mm का व्हील बेस है. वहीं पर अगर मैं इस बाइक की हाइट की बात करूँ तो आपको 2081 mm की आपको इसके अंदर हाइट मिलेगी और सॉरी लेंथ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 2081 mm की लेंथ मिलेगी. वहीं पे इसके अंदर जो आपको हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 1103 mm की. ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी. अगर आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग पे भी लेके जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसकी काफ़ी पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. रही भी बात करूँ मैं इस बाइक की सीट हाइट की, तो सीट हाइट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 798 mm की आपको इसके अंदर सीट हाइट मिलेगी. वहीं पर अगर उसकी विड्थ की बात करूँ तो वो मिलेगी 756 mm की आपको विड्थ मिलने वाली है. पेट्रोल टैंक जो इसके अंदर आपको मिलने वाला वो मिलने वाला है 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलने वाला है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये एक ऐसी बाइक है जिसका पेट्रोल टैंक काफ़ी बल्की टाइप का लगता है. फ्रंट डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक की अगर मैं आप करूँ तो वो आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा. वहीं पर अगर मैं रियल ब्रेक की बात करूँ तो 130 mm का आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक मिलेगा. इसके अंदर अब आपको जो बैटरी मिलने वाली है वो बैटरी मिलेगी 12 वॉट की मिलने वाली है. वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको LED लाइट नहीं मिलेगी, आपको इसके अंदर हैलोजन ही मिलेगा. टेल लाइट की अगर मैं बात करूँ तो टेल लाइट आपको इसके अंदर LED मिल सकती है. तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने एक एक चीज़ सारी बता दी, क्योंकि यूट्यूब पर और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई इस बाइक के बारे में कोई भी कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं बता रहा. तो मैंने आपको इससे पहले भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया था और यहाँ पर अब मैंने पूरा कंफर्म भी बता दी, यही बाइक इसके अंदर आने वाली है. लुक जो है दिखाया जा रहा है कि लुक अभी ये शो हो रहा है कि जो आपको पहले लुक आता था सेम वही लुक आएगा और लुक के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कभी तक चलो.